नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं और मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता हैं अभिमन्यु कुहाड़ जी। कुहाड़ साहब, सीधा सवाल है, पिछले 3-4 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा चर्चा में है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी चर्चा में है और सभी को पता है कि उनको जो सस्पेंड किया गया 7 दिन के लिए, उस बात की काफ़ी चर्चा हो रही है। हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात की और वो भी कहते हैं कि ये जो फैसला लिया गया उनके खिलाफ, मतलब जिन्होंने फैसला लिया उस समय मतभेद था, ये एकमुश्त फैसला नहीं था, मतलब फैसला लेने वालों में भी मतभेद था। अगर मतभेद था तो फिर ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया? देखिए, ऐसा है, उस दिन मीटिंग में सब लोग मौजूद थे और संयुक्त किसान मोर्चा की वो मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में एक फैसला लिया गया और ये फैसला एक अनुशासन के मुद्दे पे लिया गया और उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं थी, सब साथी थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और उसमें एक ये फैसला लिया गया है। मुझे ये पता चला है कि हरियाणा की कुछ यूनियंस इस फैसले से नाराज, उनका कहना था कि एक कमेटी बना कर लेते, सबकी सहमति लेते तो ठीक था, कमेटी बना लेते, उसमें चर्चा होती, फिर फैसला ले लेते, लेकिन अचानक से ही फैसला ले लिया गया, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, ऐसा है क्या? देखिए, हर व्यक्ति का, हर यूनियन का अपना एक विचार होता है, तो कोई हर कोई इंडिपेंडेंट है, मेरा अपना विचार होता है और किसी साथी का अपना विचार होता है, लेकिन जब हम संयुक्त किसान मोर्चा में आ गए तो उसके बाद तो संयुक्त किसान मोर्चा का ही विचार है ना। यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं जो एकत्रित हो गए हैं 3 काले कानून रद्द कराने और MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे। तो जब सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी कोई राय नहीं होती, मेरी कोई निजी राय नहीं है, जो भी राय है वो संयुक्त किसान मोर्चा की राय है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि तो मैंने तो अपना ओपिनियन दिया एक, लेकिन उन ओपिनियन पे ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये बात अभी भी कही कि जो हम सब लोग इकट्ठे हुए वो 2 मुद्दों पे इकट्ठे हुए और जो ये पूरा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है वो उन 2 मुद्दों पे ही चल रहा है कि भाई कृषि कानून रद्द कराने हैं, MSP गारंटी कानून लागू कराना है। इन 2 मुद्दों पे सभी संगठनों की, सभी जत्थेबंदियों की सहमति है कि भाई ये 2 मुद्दे हैं किसान के लिए। यहाँ पे ऐसी भी है कुछ जत्थेबंदी जो भाई ये मानती है कि चुनाव ठीक नहीं है, जो बिल्कुल ही कहते हैं भाई चुनाव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसे हमारा ये मानना है कि भाई चुनाव किसी समस्या का समाधान नहीं है, सिस्टमेटिक जब तक चेंज नहीं होगा जब तक बात नहीं बनेगी। जो बात गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह कहते थे कि भाई जन दबाव होना चाहिए, सत्ता में कोई भी बैठे उसकी लगाम जनता के हाथ में होनी चाहिए, जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक चीजें सही दिशा में नहीं चलेंगी, एक ये विचारधारा है। दूसरी एक विचारधारा कुछ लोगों की ये भी हो सकती है कि भाई चुनाव के जरिए ही परिवर्तन होगा, कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि बिल्कुल ही वो चुनाव से बिल्कुल दूर हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी तरह से, उनकी अपनी विचारधारा है। तो अलग अलग विचारधाराओं के जब लोग होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनता है और वो कॉमन मिनिमम एजेंडा के अनुसार जो स्ट्रेटेजी बनती है, जो सोच बनती है, जो समझ बनती है, वो सभी के ऊपर लागू होती है। अब मान लीजिए मेरा ये कहना है कि भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन ये बात मैं किसी और पे थोप तो नहीं सकता बाद में, लेकिन जब तक हमारा मोर्चा चल रहा है। नहीं, क्या वो थोपना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं थोपने की बात नहीं कह रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जब तक हमारा मोर्चा चल रहा है, जब तक जिस मिनिमम पॉइंट्स पे हम इकट्ठा हुए वही मिनिमम पॉइंट्स रहेंगे। कहते हैं कि अभी मौका है पंजाब में, आप मोर्चे की बात तो कहते हैं कि लंबा चलेगा, फरवरी तक आपका आंदोलन चलता रहेगा, तब तक तो पंजाब का चुनाव निकल जाएगा, वो कहते हैं अभी मौका है कि सिस्टम में जाकर ही हम चेंज कर सकते हैं, सरकारें तो हमने सभी देख ली। देखिए, आज यदि हम संसद में या विधानसभा में उठा के देखें तो 70-75% जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो भी खेती किसानी वाले बैकग्राउंड के ही मिलेंगे आपको, लेकिन वहां जब वो जाते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना। आप सिस्टम मान लीजिए कोई मशीन है, वो मशीन बनी है लोटा बनाने की, तो आप जब उसमें वो चीजें डालेंगे तो लोटा ही निकलेगा ना, ग्लास तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि वो उस तरीके की बनाई गई है वो सिस्टम। जब तक सिस्टमेटिक चेंज नहीं होगा, जिसकी बात लोहिया करते थे, जिसकी बात गांधी करते थे, जिसकी बात शहीद आजम भगत सिंह करते थे, वो सिस्टमेटिक चेंज बहुत जरूरी है। मैं एक आपको एक साधारण बात, वो ये भी कहते हैं विमान्यु कुहाड़ जी, वो कहते हैं कि हम कहते हैं छोटू राम जी किसानों के मसीहा थे, तो सिस्टम में आकर ही, राजनीति में आकर ही, सरकार में आकर ही उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया था, आप बाहर रहकर नहीं कर सकते,
जब तक आप बाहर रहेंगे करते रहिए आंदोलन। देखिए जो उनकी राय है उस राय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ चीजों को लेके। हो सकता है कौन सही है कौन गलत है ये तो समय बताता है, ये तो अभी हम कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकते। हमारा ये कहना है कि भाई हमारा संयुक्त किसान मोर्चा एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। पहले कभी भी इतने ज्यादा किसान संगठन इकट्ठे नहीं हुए थे जितने आज हुए हैं और बहुत सफलतापूर्वक हुए हैं। तो जितना अच्छा ये मोर्चा चल रहा है जिस तरीके से, तो हमें उन्हीं मिनिमम एजेंडाज पे मिनिमम पॉइंट्स पे स्टिक रहना चाहिए, उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोर्चा हमारा आज भी एकजुट है, पहले भी एकजुट था और आगे भी ठीक इसी तरीके से एकजुटतापूर्वक रहेगा। आप मिशन यूपी की बात करते हैं, है ना, कि मिशन यूपी है हमारा, हम वहाँ पर जाएंगे, तो मिशन पंजाब क्यों नहीं है? देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, मिशन यूपी में हम क्या कह रहे हैं? मिशन यूपी में हम कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराना है। ये तो एक तरीके से हमारा मिशन बंगाल भी हुआ था ना, तो हम ये बात तो हर जगह के लिए कह रहे हैं, चाहे उसको आप मिशन पंजाब नाम दे दीजिए या मिशन हरियाणा नाम दे दीजिए, ये तो बात हम हर जगह कह रहे हैं ना कि बीजेपी वालों को हराओ, जो बीजेपी के साथ खड़ा है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उन सबको हराओ, बीजेपी को भी हराओ। ये तो हर जगह के लिए कह रहे हैं हम। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, वहां पे भी हमने यही कहा। अगर कहीं और चुनाव होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, वहां भी हम यही बात कहेंगे कि भाई बीजेपी और उसके साथ गठबंधन में जो पार्टी है उनको हराओ। यदि आप इसे नाम देना चाहते हैं कोई मिशन शब्द से, तो आप वो दे सकते हैं। पंजाब में जाएंगे इस मिशन को लेकर? देखिए पंजाब तो ऑलरेडी बहुत जागृत हो चुका है, पंजाब में तो ऑलरेडी बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध है, तो वहां तो कोई वैसे ही बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो ये तो अपील हमारी हर जगह है, पंजाब के लोगों से भी हमारी अपील है कि भाजपा को वोट मत दीजिए, ये अपील तो हमारी बिल्कुल है। यदि आप इसे कोई मिशन नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वो कहते हैं कि गुरनाम सिंह चिरोनी जी कहते हैं क्योंकि मैं पंजाब में भी जा रहा हूँ, वहाँ से भी जत्थे आ रहे हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे हैं पंजाब के लोग उनको लगता है कि रुतबा बढ़ रहा है तो एक जलन हो रही है उनको, ये बात है। बोले वो मेरे बयान का जवाब नहीं उनके पास, इसलिए मेरे पर ये एक्शन लिया गया है। देखिए अब गुरनाम सिंह जी बड़े सीनियर नेता हैं, अब वो क्या कह रहे हैं उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे उन्होंने क्यों कहा, यदि ऐसा कहा है तो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारी मीटिंग में अगर किसी से पूछेंगे मीटिंग कैसी होती है, तो मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है और सब भाईचारे के साथ सारी चीज़ें बात की जाती हैं। ऐसा एक दूसरे से कोई जलन होने का ऐसा मुझे तो कहीं पे कोई दिखा नहीं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, जहाँ तक बात गुरनाम सिंह जी की भी आती है, उन्होंने मैंने कहीं सुना किसी भाई ने बताया, उन्होंने बाद में ये बात कही है कि भाई सब लोग हम एकजुट हैं और इसी तरीके से एकजुटता के साथ आंदोलन लड़ेंगे, आगे भी मोर्चे को और भी अधिक मजबूत करेंगे। तो नहीं, वो कहते हैं कि मोर्चे को में हम ऐसे डटे रहेंगे और भी ठीक काम करेंगे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूँ। भाई 7 दिन सस्पेंड कर लीजिए, उसके बाद फिर तैयार रहिए, मेरा बयान नहीं बदलने वाला। मुझे लगता है, उनको लगता है कि चुनाव में जाना चाहिए, फिर मतलब अगर ऐसे ही वो अपने बयान पे कायम रहे, संयुक्त किसान मोर्चा बार बार अगर कार्रवाई करता रहेगा तो देन फिर क्या होगा? जो लोग इतने जुड़े हुए हैं, किसान इतने जुड़े हुए हैं इनके साथ, एक उनको उम्मीद लग रही थी, तो वो किसकी बात मानेंगे? देखिए अब मोर्चा क्या करेगा ये तो मोर्चा की मीटिंग में तय होगा, मैं यहाँ पे खड़ा होकर तो तय कर नहीं सकता हूँ। लेकिन एक मेरा जरूर ये निवेदन रहेगा उनसे भी, यदि उन्होंने ऐसा कहा है जैसे आप बात कह रहे हैं, तो गुरनाम सिंह जी से भी ये निवेदन रहेगा कि वो एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो बड़े एक सीनियर नेता हैं और इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में जो एक हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व में से वो एक हैं, वो बड़े सीनियर नेताओं में से एक हैं और बहुत सारे लोग उनकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। तो इसीलिए उनसे मेरा ये निवेदन भी रहेगा और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वो एक जो कॉमन मिनिमम एजेंडा जो बना है संयुक्त किसान मोर्चा का, वो उसी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भाई जिससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हो, ऐसा वो कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसा उनसे निवेदन भी है। चलिए, थैंक यू सो मच कुहार साहब, आपने सुना जो भी मसला इस वक्त चल रहा है उस पर हमने बातचीत की है अभिमन्यु कुहार से, इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा इस बातचीत को लेकर और शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग इस पर राय दे सकें, और अगर सही ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो फिर चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।